समीर वानखेड़े का जिस तरह का पूरा प्रकरण आप देखेंगे, जिस तरह की संदिग्ध उनकी भूमिका इसमें रही है, उसको उजागर करने का काम नवाब मलिक साहब ने किया। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है, मैं हुकराम। बात करते हैं आर्यन खान केस को लेकर, कुछ नए अपडेट्स आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एनसीपी के राष्ट्रीय युवा सचिव एडवोकेट जाहिद ताज अली। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से पिछले 20 दिनों से आर्यन खान केस को लेकर मुंबई की सियासत या महाराष्ट्र की सियासत में कहूँ, उसमें भारी उथल पुथल दिखाई दी, और समीर वानखेड़े जो इस केस के पूरी तरह से इंचार्ज थे, बाद में वो घिरते हुए नजर आए और उनको घेरते हुए मुझे एक शख्स नजर आया, वो है नवाब मलिक। एक ऐसा लीडर जो नाम से तो मुस्लिम है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से जो देखा जाए जो बाकी नेता करते हैं, जहाँ एक आ जाता है कि मुस्लिम जो है लीडरशिप वो सिर्फ नाम के होते हैं, कुछ एक्शन करते हुए दिखाई नहीं देते, वो बहुत बड़ी भूमिका पे दिखाई दे, और उनके नाम पे मीम्स बन रहे हैं कि पुराने से पुराना रिकॉर्ड सर्च करने के लिए मिले नवाब मलिक से, जैसे भी लिए खड़े हैं, कुछ भी करें, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढवाना हो, यहाँ तक कि एनआरसी को भी घेर कर उसमें लाया जा रहा है कि एनआरसी के कागज चाहिए तो संपर्क करें नवाब मलिक से। तो नवाब मलिक की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने एकदम बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं? देखिए, ना सिर्फ पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते जी, बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते भी जी, नवाब मलिक साहब जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से जी, उनको बहुत बहुत बधाई। चूंकि ये काम आपने भले ही कहा हो कि इस तरह की राजनीतिक सरगर्मी रही है, लेकिन ये राजनीतिक सरगर्मी से इतर अच्छा, लोकतंत्र के लिए और न्याय के लिए बहुत ही जरूरी चीज थी, जिसको जो है अंजाम नवाब मलिक साहब ने दिया। मैं आपको बताऊं, समीर वानखेड़े का जिस तरह का पूरा प्रकरण आप देखेंगे, जिस तरह की संदिग्ध उनकी भूमिका इसमें रही है, उसको उजागर करने का काम नवाब मलिक साहब ने किया। और सिर्फ इसलिए ही नहीं, मैं आपको फिर बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि जो है सनद रहे, क्योंकि एक जो मेन चीज है, जो एक जो आत्मा है इस पूरे प्रकरण में न्याय को और लोकतंत्र को बचाने की, उसको कहीं ना कहीं जो है वो उसको अलग हटा के जो है लोग इसको पर्सनल भी ले रहे हैं कि कोई पर्सनल मामला रहा होगा। नहीं, मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि भाई एक पार्टी के मंत्री हैं, वो नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं राष्ट्र। नहीं, उनको ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक मुसलमान है, शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, तो वो उनके फेवर में आ रहे हैं। नहीं, ये तो समीर वानखेड़े भी मुसलमान है ना। हाँ, समीर तो फिर ये इससे क्या मतलब है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? देखिए क्या होता, जस्टिस हैज नो रिलीजन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था, ऐसा नहीं है। बात क्या है कि अगर कोई गलत है और उसकी कमी या उसकी बात को उजागर किया जा रहा है तो सबके लिए है। देखिए, आप जो वो थे उससे पहले जो भी प्रकरण हुए हैं बॉलीवुड को लेकर, जो भी प्रकरण हुए, सुशांत राजपूत वाला प्रकरण है और भी कई प्रकरण हैं, तो क्या वो भी वो थे? ऐसा नहीं है। मसला क्या है कि बॉलीवुड को वाकई में जो है जिस तरह से देखिए, 3 ग्राम 4 ग्राम जो ड्रग्स के बारे में किया जा रहा है, ये समीर वानखेड़े, अभी आपने देखा होगा अडानी पोर्ट पर 3,000 किलो ड्रग्स पाया गया, उस पर कहीं ना तो मीडिया में चर्चा है, ना ही कोई राजनीतिक सरगर्मियां हैं इसको लेकर, चूंकि वो एक कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष को और एक पार्टी विशेष के एक बड़े समर्थक जिनको माना जाता है, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आर्यन खान और उनके साथी, खाली आर्यन खान तो उसमें थे ही नहीं, और भी तो लोग हैं ना जो गिरफ्तार किए गए हैं। मसला क्या है कि आर्यन खान से इस बात का लेना देना नहीं है कि नवाब मलिक साहब आर्यन खान के पक्ष में ना खड़े होकर आर्यन खान न्याय, नवाब मलिक न्याय के पक्ष में खड़े थे। और बहुत बहुत बधाई हमारी पार्टी को आप इस बात के लिए, विरोधी से विरोधी को भी हमारी पार्टी की तारीफ करनी चाहिए कि पूरी पार्टी पूरी तरह से हमारे नेता नवाब मलिक साहब के साथ खड़ी थी, पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें था, और उन्हीं को नहीं, अगर कोई पार्टी में नहीं भी है और अगर वो कहीं सच की, हक की, न्याय की, इंसाफ की, लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो हमारी पार्टी हमेशा से उनके साथ खड़ी रही है। आप देखिए, नवाब मलिक साहब ने जो पूरे प्रकरण को पूरा निकाला है, उसमें और भी चीजें भी खुल के सामने आएंगी कि एक अधिकारी, एक अधिकारी जिसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एनसीबी का जो है इंचार्ज है, जोनल डायरेक्टर है, उसने जो है इस तरह से जो अपने कार्य शैली को अंजाम दिया है, बहुत ही दुखद है। ये आर्यन खान भी हो सकता है, ये कोई मजदूर का बच्चा भी हो सकता है, इससे इसका मतलब नहीं। आर्यन खान की क्या, उन्होंने तो लड़ाई सबकी लड़ी है, उन्होंने तो मुनमुन धमीजा की भी लड़ी है, उन्होंने तो अरबाज मर्चेंट की भी लड़ी है, और जो लोग हैं। अच्छा, आर्यन खान तो इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि मीडिया बार बार शाहरुख खान का बेटा है, सेलिब्रिटी का बेटा होने की वजह से दिखा रहा है, वरना तो उसमें
उसमें तो आम परिवारों के बच्चे भी तो हैं, या जो ऐसे हैं जो कि सेलिब्रिटी नहीं है या जो पेज थ्री पे नहीं आते वो लोग भी तो है ना। तो ऐसा नहीं है, नवाब मलिक साहब ने जो भी काम किया है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, और नवाब मलिक साहब से सीख लेकर के, मुझे मेरा कहना यह है कि नवाब मलिक साहब से इस चीज की इबरत हासिल करके और पार्टी, मैं कह रहा हूं आपका दल, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, आपकी दलगत राजनीति कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर उठकर अगर लोकतंत्र रहेगा, न्याय रहेगा, तभी तो देश रहेगा। और उसका काम, उसको बचाने का, लड़ने का जो काम नवाब मलिक साहब ने किया, उसके लिए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ठीक है, तो पार्टी ने उन्हें छूट दे रखी थी, आपने पार्टी का यहाँ पे जिक्र किया, एनसीपी ने, शरद पवार ने पूरा सपोर्ट किया हुआ था। खासतौर पर ऐसा देखा जाता है जो और मुस्लिम लीडर हैं अलग पार्टियों में, उनको शायद इस तरह की छूट नहीं मिल पाती, ये किस तरह का अलग नवाब मलिक आए हैं निकल के? नहीं देखिए, नवाब मलिक साहब पहले तो मैं आपको बता दूं बहुत ही सीनियर लीडर हैं जी, बहुत सीनियर लीडर। मैं आजम खान की बात नहीं, नहीं साइड पड़े हैं, नेता ही नहीं पूछ रहे हो। देखिए क्या है, हाँ। अब किसकी पार्टी किसको क्या छूट दे रही है, हाँ। या कोई नेता अपने अपने से क्या कर रहा है, मुझे हाँ। नहीं, मैं उस पर अब क्या टिप्पणी मैं करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप हक की, सच की, न्याय की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टी हो, पार्टी को आपका साथ देना ही चाहिए। हमारी पार्टी ने हमेशा इस तरह के जो है मील के पत्थर जो है वो साबित किए हैं, हर बार मील के पत्थर को जो है बढ़ाने का और उनको दिखाने का काम किया है। हमारे नवाब मलिक साहब, हमारी पार्टी के, हमारी पार्टी एनसीपी, बिल्कुल भी ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त मुद्दा नहीं था। ये सीदा सीधा मुद्दा ये था कि एक पदाधिकारी जिस जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिसके ऊपर जो है इंसाफ को और लोगों को ड्रग्स से बचाने की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति संदिग्ध है, वो उसकी जो है ना, उसका जो चरित्र है वही अपने आप में जो है एक तरह से बहुत ज्यादा जो है मिस्टीरियस है इन मुद्दों को लेकर के, उसको पूरा खोलने का काम नवाब मलिक साहब ने किया, उनके साथ उनके साथी टीम, जो भी टीम ने उनका साथ दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में नवाब मलिक की मुसीबत बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र का समर्थन कहीं ना कहीं एनसीबी केंद्र की एजेंसी है। देखिए क्या है, केंद्र सरकार के बारे में तो क्या कहा जाए, ये तो जग जाहिर है भाई। केंद्र सरकार ने तो क्या किया है, केंद्र सरकार ने जब से अलग अलग जितनी संस्थाएं उनके पदाधिकारियों को बाद में, यानी कि जो भी पार्टी लाइन पे उनका समर्थन करता है उसके बाद में उनको बड़े बड़े पद देने का काम किया है राजनीतिक तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संविधान विरोधी है, लेकिन इससे एक मैसेज ये जाता है कि अगर आप भी जो है सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकार के कहे अनुसार काम करेंगे, उनका अपना कोई मोरल नहीं है, अपनी कोई मतलब जो जिस संस्था में वो काम करें उस संस्था के अपने रूल रेगुलेशन से इतर अलग हट करके जब ऐसे लोग पदाधिकारी या ऐसे अफसर इस तरह का जिनके हाथ में जो है न्याय करने की क्षमता है, जिनके हाथ में जो है सही और गलत को साबित करने की क्षमता है, जब वो राजनीति से प्रभावित होकर के काम करेंगे तो किसी अन्य लालच के लिए आने वाले समय में तो ये बहुत ही गलत परंपरा जाएगी। और जब से मोदी सरकार आई है 2014 से ये लगातार बढ़ाया, आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे रंजन गोगोई का मामला हो, बाकी अन्य बड़ी पोस्ट पर रहे ऑफिसर्स का मामला हो, तो ये बड़ी गलत परंपरा है। इसमें क्या है कि इसमें जो पदाधिकारी है या जो ऑफिसर है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखता हो, जब वो पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होकर के काम करेगा तो उसको क्या है कि इससे बहुत गलत असर लोकतंत्र पे जाएगा, तो इससे तो इंसाफ कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, इसी को बचाने का। और रही बात नवाब मलिक साहब की दिक्कतें बढ़ने की, तो आप देखिए जिस तरह से तानाशाही रवैया सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपनाया हुआ है कि जो भी उनके खिलाफ जाता है वो सब देशद्रोही है, कोई किसी पर UAPA लगाया है, किसी पर कुछ लगाया है, और किसी पर NSA लगा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में EDCBI का कुछ छापा हुआ देखने को मिल जाए। कुछ भी कर सकती है सरकार, कुछ भी कर सकती है सरकार, मैं बता रहा हूँ निरंकुश हो चुकी है सरकार पूरी तरह से। अच्छा, इसमें कोई फिल्म एंगल ये था कि फिल्म जो इंडस्ट्री है उसको उठाने का भी काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया जा रहा है, इसमें एक एंगल ये भी है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में फिल्म को लाया जा रहा है, आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह का कोई प्रपोजल दीजिए, ऑफर दीजिए, लोग खुद आएंगे आपको बनाने के, लेकिन किसी साजिश के तहत अगर आप किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं ले जाना चाह रहे हैं तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तो
आप देखिए अभी तक तो जो उनका पूरा सार है, जो उन्होंने काम किया है पिछले 4-5 सालों में, अब तो चुनाव है नजदीक में, वो सिवा नाम बदलने के मुझे तो लगता नहीं कोई भी काम जमीन पर हुआ है। अच्छा, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है ना कि बोर्ड वही है, बोर्ड पे पुतवा के कोई ऐसा ना हो कि बॉलीवुड के जगह कुछ हॉलीवुड या कुछ और नाम दे दिया जाए, हॉलीवुड हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए क्या है, मैं यूपी से आता हूँ, अगर यूपी में फिल्में बनती हैं या कुछ होता है, किसी भी स्टेट में बनती है, साउथ में बनती है, साउथ में कन्नड़ तेलुगु तमिल सिनेमा बहुत, मलयालम सिनेमा बहुत वो है, वो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन उसको अपने दायरे में करिए ना। सरकार आप ऐसा प्रपोजल दे, ऐसा ऑफर लाए, लेकिन किसी साजिश के तहत आप एक एक बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए या बॉलीवुड में कुछ लोगों को बदनाम करके अगर आप इस तरह का काम करना चाह रहे तो बहुत ही गलत है, तो एथिकल है ही नहीं ना किसी भी तरह से। इसमें एक मैसेज मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अब जो जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है उसने एक तरह से सीधा संदेश दे दिया है कि हमारे यहाँ का नागरिक हो, कोई आम आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई लोग है, हम उसकी रक्षा करेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश भी की। नहीं, नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इंसान की ही नहीं, देखिए होता क्या है कि मैसेज ये जाता है कि जी बड़े लोगों की पैर भी होती है। असल में है क्या मसला, मसला ये है कि बड़े लोग या सेलिब्रिटी या पेज थ्री के लोग ही पब्लिक डोमेन में उनका चर्चा चलता है, मीडिया किसको दिखाता है? बिल्कुल, मीडिया दिखाता ही सेलिब्रिटी को, वरना इस तरह के काम जैसा आर्यन खान है, ऐसे कितने आर्यन खान देश में है जो पकड़े जाते होंगे या कितने मुनमुन धमीजा है। बात ये है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाता है ना। नवाब मलिक साहब ने जो पूरे प्रकरण में जिस तरह से तथ्यों को रखा है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर उनके तथ्य गलत हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर कोई झूठा तथ्य पाया जाता है भाई कानून की लड़ाई आप कानून से लड़िए, लिखित का जवाब आप लिखित से दीजिए, सबूत का जवाब आप सबूत से दीजिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर किसी भी तरह का कोई लूप होल्स आपको नजर आता है तो आप करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने से विपक्षी पार्टियों के या कुछ होने से तो कुछ होना नहीं है। मैं जो हूं एक बार पुनः नवाब मलिक साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है हक इंसाफ की इस लड़ाई में पहली सफ में खड़े होकर के मोर्चा संभाला अपनी पार्टी के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पार्टी हमेशा, देखिए पूरे उसमें हमारी पूरा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता जो है वो इसमें नवाब मलिक साहब के साथ था, चूंकि नवाब मलिक बिल्कुल सही थे, ये इसलिए नहीं कि वो हमारी पार्टी के मंत्री हैं या नेता हैं, वो तो एक इतर बात हो गई, वो क्योंकि वो सच के साथ थे और पार्टी ने उनका पूरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जाय साहब। ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है एनसीपी यानी कि उसके राष्ट्रीय युवा सचिव हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, नवाब मलिक के पूरे काम को सराहना की इनकी और बताया किस तरह से उन्होंने किया, आम आदमी हो सेलिब्रिटी हो, इन्होंने कहा कि एनसीपी सबके साथ खड़ी है। खैर अब आगे जो होगा नवाब मलिक के साथ अगर केंद्र कुछ करना चाहेगी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, उसमें नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, जाहिद भाई की बात आपको कैसी पसंद आई नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।